अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर के पकौड़े की रेसिपी। पनीर पकौड़े बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर कुछ पनीर के टुकड़े, जिन्हें हमने मीडियम साइज़ में काट लिया है, और यहाँ लिया है हमने थोड़ा बेसन पकौड़े बनाने के लिए। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी रख सकते हैं। पनीर पकौड़ों में डालने के लिए हम ले रहे हैं हरा धनिया कटा हुआ, 4-5 हरी मिर्ची कटी हुई, 1 चम्मच पिसे हुए चावल, थोड़ा सा सोडा, आधी चम्मच पिसा हुआ भुना जीरा, आधी चम्मच लाल मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन और नमक स्वादानुसार। अब हम बेसन में जो हमने सामान बताया था वो सब मिक्स करेंगे। हर धनिया, हरी मिर्ची, अजवाइन, सब कुछ मिक्स कर लेंगे और पानी से मिक्स करके इसका घोल तैयार कर लेंगे बेसन का पकौड़े बनाने के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स करते जाएं ताकि इसमें गुठले ना पड़े और एक सा बेसन आपका फिट जाए। अब ये बेसन फिट चुका है, आपको इतना ही गाढ़ा रखना है इसको, ना पतला नहीं करना है, क्योंकि आपको अंडे के जो पकौड़े रहेंगे वो इसमें फिर अच्छे से आपकी कवर नहीं कर पाएगा। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे पनीर के पकौड़े तलने के लिए और इसे गर्म होने देंगे। और अब पनीर के पीसेस को बेसन में डिप करके इन्हें कवर करेंगे और एक एक करके तेल में डाल देंगे। पकड़ तो इस तरह से आप एक एक पनीर लेके बेसन में डिप करें, इसको तेल में फ्राई करें। और अब इन पकौड़ों को पलट लें ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए। और अब ये पकौड़े दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गए हैं। अब हम इनको निकाल कर रख लेंगे। ओ, अब हमारे पनीर के पकौड़े तैयार हैं। अब हमारे पनीर के पकौड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें हरी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी ये पकौड़े बने हैं। इस तरह से आप इन पकौड़ों का आनंद ले सकते हैं। तो पनीर के पकौड़े बनाकर देखें और हमें बताएं कि पनीर के पकौड़े कैसे बने। कमेंट सेक्शन में हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।